बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गज़नवी का ज़माना था। एक बूढ़ा परेशान अपने घर में टहल रहा था, वो बेचैन था। इतने में इसका दोस्त मोहम्मद आलम उसके घर आया। उसने अपने दोस्त को परेशान देखा तो परेशानी का सबब जानना चाहा। क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम क्यों परेशान हो, क्या सबब है कि तुम बेचैन हो। इस पर बूढ़े शरीफ कुछ कहने चाहा, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया और फिर टहलने लगा। क्या बात है, कौन सी परेशानी है, मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या क्या बात बात है, कौन सी परेशानी है, मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आलम ने फिर इससे पूछा, बात यह है कि तुम्हें पता होगा मेरी बेटी ज़किया बहुत खूबसूरत है। कुछ दिन पहले हम जंगल में काम कर रहे थे कि सुल्तान के वज़ीर ख़ास के बेटे का गुजर यहाँ से हुआ। वो जंगल में शिकार करने आया था, उसने मेरी बेटी को देखा, उसे वो पसंद आ गई। उसने मुझसे कहा कि वो 5 दिन बाद आएगा और मेरी बेटी को ले जाएगा। तब से मैं बहुत परेशान हूँ। सकिया की मंगनी उसके चचाजाद अब्दुल मन्नान से हो चुकी है, अब मैं उस शहजादी के हवाले कर दूँ ये मुमकिन नहीं। मैं शहजादे को कैसे रोकूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। शरीफ की आंखों से आंसू गिरने लगे। आलम ने हमदर्दी से इसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बात वाकई परेशानी की है मेरे दोस्त, क्या तुम सुल्तान के पास दरख्वास्त लेकर गए हो। नहीं, अगर लेकर जाऊं भी तो क्या सुल्तान मुझसे इंसाफ करेगा, और जब सामने उसके वजीर खास का बेटा हो, मुमकिन ही नहीं। बूढ़ा शरीफ ने मायूसी से कहा, नहीं तुम मायूस ना हो शरीफ, सुना है सुल्तान बहुत इंसाफ पसंद है, उसने कई गरीब और मिस्कीन लोगों से इंसाफ किया है। तुम एक बार आजमा कर देखो, सुल्तान के दरबार तक तुम मेरे वास्ते बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। आलम ने कहा और शरीफ ने उसकी बात मान ली। आलम की मेहरबानियों से अगली सुबह सुल्तान महमूद गजनवी के सामने था। जब उसकी बारी आई तो उसने कहना शुरू किया, आने आली जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। शरीफ ने कहा, हमारी एक ही बेटी है, इसकी मंगनी हो चुकी है। बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों पहले मैं और मेरी बेटी जंगल में काम कर रहे थे, आपके वजीर ख़ास के बेटे का गुजर हुआ, उसको मेरी बेटी पसंद आ गई। उसने कहा कि वो 5 दिन बाद मेरी बेटी को ले जाएगा, अगर मैं ना माना तो वो ज़बरदस्ती करेगा। आपसे अर्ज़ है कि हमसे इंसाफ़ करें, और हमें यकीन है कि आप इंसाफ़ करेंगे। क्या ये शख्स सच कह रहा है। सुल्तान के माथे पर तेवरी चढ़ी हुई थी। उसने अपने वजीर ख़ास से पूछा तो वो कांपते हुए अपनी जगह से उठा। उसने लड़खड़ती हुई आवाज़ में कहा, जी हुजूर, ये सच कह रहा है। लेकिन सुल्तान इसकी बात को मुकम्मल होने दिए बगैर कहा, सिपाहियों आज ही इसके बेटे और इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। जो कौम की माओ बेटियों में गलत निगाहें डाले वो हमारे खैर ख्वाह कभी नहीं हो सकते, ऐसों की जगह कैद खाना है। सुल्तान का चेहरा सुल्तानी जाहो जलाल से दमक रहा था। बूढ़े शरीफ ने शुक्रगुजारी से सुल्तान की तरफ देखा, उसकी आंखों से खुशी से एक आंसू गिर पड़ा। काश हमारे मुल्क में भी ऐसे हुक्मरान होते। हदीस नबवी का मफहूम है कि जैसी रियाया होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।